साथी है, लड़ाई लड़ते रहूंगा साथियों, अपने संविधान के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा साथियों। मैंने एक अभी हाल फिलहाल में मैंने घोषणा किया कि भारत सरकार से आप लोगों का सहयोग रहा, प्यार रहा, आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का मैं सांसद बनूंगा साथियों। और सांसद बनने के बाद भारत सरकार की तरफ से हमको जितना भी पैसा मिलेगा उसका 100% पैसा गरीब जनता के लिए खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में वितरण करेंगे। बच्ची का बेटी का या हमारे किसी घर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के जनता मालिक के बीच में वो वितरण हो जाएगा। 100% पैसा मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मैं डोनेशन करता हूँ। मैं पापा भाई या बेटा भगवान का बेटा आप लोगों के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए उतरा हूँ मैदान में। चौकीदार कहेंगे, कभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, भैया इतना रात को इच्छाधारी मांगी कर सकता है वो दूसरा कोई नहीं था धर्म को बदल सकता जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री बदल रहे थे। तो आने वाले समय में कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, ठीक है आप कहा रहे हैं उसके लिए आप चौकीदार हैं, लेकिन आपके रहते हुए बड़े बड़े विजय माल्या, नीरव मोदी या जनरल से जैसे लोग कैसे भाग गया, या आप सफल चौकीदार नहीं है या वो चोर से मिले हुए चौकीदार है, जो चोर से मिला हुआ चौकीदार होता है उसको हमें करनी चाहिए साथियों, उसको बदल देना चाहिए। इसलिए साथियों आप लोगों का भरपूर सहयोग नवाब नहीं, मैं मल्लाह का बेटा, मछुआरा का बेटा, सनम मल्लाह हूँ, मैं नवाब नहीं हूँ साथियों। मैंने कड़ी मेहनत करके 20 साल पहले गांव से 18 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर 900 महीने में मजदूरी करकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने संघर्ष किया साथियों। और संघर्ष का मैंने कामयाबी अपने उपलब्धि को मैंने प्राप्त किया। उसके बाद 2014 से लगातार बिहार में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि में मैं काम कर रहा हूँ लगातार, और बिहार में पूरे बिहार में घूम घूम कर हर गांव पंचायत में घूमकर जो समाज को कल तक कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाता। सिर्फ हमारे लालू जी ने एक बार चर्चा किए थे कि मछली मारने वाला जिंदा दावा भी है बिहार में। आज उसके हक अधिकार के हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, आज उसके ही दम पर आज हमारे